हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्या होता है केराटोप्लास्टी। तो केराटोप्लास्टी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम कॉर्निया को, जो कि ख़राब हो गई है किसी पेशेंट की, उसको एक हेल्दी कॉर्निया से हम रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं। तो इस प्रोसीजर को, इस ऑपरेशन को हम केराटोप्लास्टी कहते हैं। केराटो वर्ड हम यूजुअली कॉर्निया के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ भी वर्ड केराटो आ रहा है, मतलब वो कॉर्निया के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है। तो केराटोप्लास्टी, इट इज़ एन ऑपरेशन इन विच द पेशेंट्स डिजीज कॉर्निया इज़ रिप्लेस्ड बाय अ हेल्दी क्लियर कॉर्निया। ठीक है। अब केराटोप्लास्टी के कुछ टाइप्स होते हैं। इसके दो बेसिक टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑटो केराटोप्लास्टी, एक होता है एलो केराटोप्लास्टी। ऑटो का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट की खुद की ही कॉर्निया को हम उसकी हेल्दी वाले कॉर्निया से रिप्लेस कर रहे हैं। और एलो केराटोप्लास्टी का क्या मतलब हुआ कि हम किसी दूसरे डोनर की कॉर्निया को पेशेंट की कॉर्निया से मतलब पेशेंट की कॉर्निया को हम डोनर की कॉर्निया से रिप्लेस करते हैं। तो वो एल हो गया, मतलब दूसरे किसी इंसान से आ रही है। तो जो ऑटो केराटोप्लास्टी है, अब वो भी दो तरह की हो सकती है। पहली होती है रोटेशनल केराटोप्लास्टी। रोटेशनल केराटोप्लास्टी में क्या करते हैं कि जिस आँख में कॉर्नियल ओपेसिटी है, उसी आँख की हम कॉर्निया को टर्फाइंग करते हैं, उसमें छेद बनाते हैं और उसको रोटेट करते हैं। और रोटेट करके जो प्यूपिलरी एरिया को बेसिकली कॉर्नियल ओपेसिटी कवर कर रही थी, उसको हमने रिमूव कर दिया, और ताकि अब प्यूपिलरी एरिया क्लियर हो गया, वहाँ पर क्लियर कॉर्निया आ गया। तो इसमें बस क्या किया हमने कि कॉर्निया को रोटेट कर दिया, ताकि जो प्यूपिलरी एरिया पे ओपेसिटी थी वो क्लियर हो जाए। तो इसको कहते हैं रोटेशनल केराटोप्लास्टी, इन विच द पेशेंट्स ओन कॉर्निया इज टर्फाइंड एंड रोटेटेड टू ट्रांसफर द प्यूपिलरी एरिया हैविंग अ स्मॉल कॉर्नियल ओपेसिटी टू दी फेरीफेरी। तो जो कॉर्नियल ओपेसिटी पिपलेरी एरिया में थी, उसको फेरीफेरी में पहुंचा दिया और वहां पर पिपलेरी एरिया में क्लियर कॉर्निया आ गई। दूसरी होती है कॉन्ट्रालेटरल केराटोप्लास्टी। यहाँ पर भी पेशेंट की ही आई से हम कॉर्निया निकाल रहे हैं, पर पेशेंट की दूसरी आई से, मतलब मान लीजिए कि राइट कॉर्निया में दिक्कत है, तो हम लेफ्ट आई की कॉर्निया को राइट आई की कॉर्निया में रिप्लेस कर देंगे। तो ये तब की जाती है जब व्हेन द कॉर्निया ऑफ वन ऑफ द पेशेंट इज ओपेक एंड द अदर आई इज ब्लाइंड ड्यू टू दी पोस्टीरियर सेगमेंट डिजीज और कॉर्नियल एट्रोफी विद अ क्लियर कॉर्निया। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पेशेंट की एक आई खराब है, पूरी से ब्लाइंड है, और लेकिन उसकी कॉर्निया अभी भी इंटैक्ट है, और दूसरी आई में कॉर्नियल ओपेसिटी डेवलप हो रही है, तो जिस आई में हम कॉर्नियल ओपेसिटी डेवलप हो रही है, उसको बचाने के लिए हम पहले से ब्लाइंड हुई आई की कॉर्निया निकालेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे ये दूसरी वाली आँख में जिसमें कॉर्नियल ओपेसिटी डेवलप हो रही है। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल केराटोप्लास्टी। कॉर्निया ऑफ टू आईज आर एक्सचेंज्ड विद ईच अदर, मतलब दोनों आँख की कॉर्निया को आपस में बदल देते हैं। ठीक है। इसके बाद आती है एलो केराटोप्लास्टी। एलो केराटोप्लास्टी में क्या करते हैं कि हमको एक डोनर कॉर्निया चाहिए होती है। तो इन दिस द पेशेंट्स डिजीज कॉर्निया इज रिप्लेस बाय द डोनर्स हेल्दी कॉर्निया। अब ये भी दो तरह की होती है। एक होती है पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, एक होती है लैमुलर केराटोप्लास्टी, और एक होती है स्मॉल पैच ग्राफ्टिंग केराटोप्लास्टी। तो पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी का मतलब हुआ, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, इसमें हम पूरी पूरी कॉर्निया को निकालते हैं, तो पूरा अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं, तो फुल थिकनेस ग्राफ्टिंग होती है इसमें, इसलिए इसको पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी कहते हैं। दूसरी होती है लैमुलर केराटोप्लास्टी। अब लैमुलर का मतलब होता है पार्ट्स, मतलब लेयर्स में हम निकालते हैं, तो इसको लैमुलर कहते हैं। तो ये दो तरह की हो सकती है, या तो एंटीरियर लैमुलर केराटोप्लास्टी हो सकती है, मतलब जो आगे से करी जा रही है, या तो पोस्टीरियर लैमुलर केराटोप्लास्टी होती है। तो जो एंटीरियर लैमुलर केराटोप्लास्टी होती है, हम वो तब करते हैं जब पेशेंट की एंडोथीलियम और डेस्मस मेम्ब्रेन जो कॉर्निया की है वो नॉर्मल हो, तब हम पेशेंट की नहीं डोनर की जिससे हम ले रहे हैं टिश्यू, तब हम एंटीरियर लैमुलर केराटोप्लास्टी करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये भी दो तरह की होती है, एक सुपरफिशियल होती है, एक डीप होती है। तो जो सुपरफिशियल होती है, उसमें सुपरफिशियल कॉर्नियल स्ट्रोमा लिया जाता है, और जो डीप वाली होती है, उसमें हम 80-90% ऑफ द कॉर्नियल स्ट्रोमा को पूरा पूरा रिप्लेस करते हैं। ठीक है। पोस्टीरियर लैमुलर केराटोप्लास्टी जो है, वो तब किया जाता है जब एंडोथीलियम डिफेक्टिव हो, मतलब अगर हम किसी पेशेंट का एंडोथीलियम डिफेक्टिव है, तो हम फिर पोस्टीरियर लैमुलर केराटोप्लास्टी प्रेफर करते हैं
करने के लिए। तो अब पोस्टीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी में पीछे की साइड से निकालते हैं, मतलब जो डीपर लेयर्स होती हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये डीप लैमेलर एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी हो सकती है, एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी हो सकती है। देखिए इनर लेयर्स हैं ये सब, डेस्मस मेम्ब्रेन स्ट्रिपिंग एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी, डेस्मस मेम्ब्रेन स्ट्रिपिंग ऑटोमेटेड एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी, डेस्मस मेम्ब्रेन एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी, या फिर प्री डेस्मस स्ट्रिपिंग ऑटोमेटेड एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी, ये सब इसके टाइप्स हो गए। तीसरी टाइप आती है स्मॉल पैच ग्राफ्टिंग, जिसमें ये सिर्फ स्मॉलर डिफेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें फुल थिकनेस या पार्शियल थिकनेस की हो सकती है। अब दोस्तों हमें जानना है कि इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि क्या इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी के और एंडोथीलियल यानी लैमेलर केराटोप्लास्टी के। तो पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी के इंडिकेशंस हो सकते हैं ऑप्टिकल इंडिकेशंस, जिसमें आते हैं कॉर्नियल ओपेसिटी की वजह से या कॉर्नियल डिस्ट्रोफी की वजह से कर रहे हैं, या तो केराटोकोनस है या बुलस केराटोपैथी की वजह से कर रहे हैं। फिर थेरेपेटिक में क्या हो सकता है, थेरेपेटिक मतलब टू रिप्लेस द इन्फ्लेम्ड कॉर्निया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कन्वेंशनल थेरेपी, ऐसी कॉर्निया जो इन्फ्लेम्ड हो गई है और कन्वेंशनल थेरेपी मतलब जो नॉर्मल थेरेपी हम यूज़ करते हैं उससे रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो कॉर्नियल ग्राफ्टिंग कर देंगे उसमें। एक होती है टेक्टोनिक ग्राफ्टिंग, जिसको हम कॉर्नियल परफोरेशन के लिए यूज़ करते हैं और कॉस्मेटिक वजहों से यूज़ किया जाता है ताकि अपीयरेंस ऑफ द आईबॉल इम्प्रूव की जा सके। अब आते हैं इंडिकेशंस फॉर एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी, ये की जाती है फ्यूक्स एंडोथीलियल डिस्ट्रोफी में, स्यूडोफेकिक कॉर्नियल एडिमा में, एफेकिक कॉर्नियल एडिमा में, आइडियो कॉर्नियल एंडोथीलियल सिंड्रोम में, या फिर फेल्ड कॉर्नियल ग्राफ्ट्स में। अब आते हैं कि डोनर टिश्यू जो हम लेंगे दैट शुड बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, यूजुअली विद इन 6 hours ऑफ डेथ और 12 hours एज इन कोल्ड क्लाइमेट, और इसको हमको स्टोर करना होता है अंडर स्टेराइल कंडीशंस। अब ये जो कॉर्नियल टिश्यू हमने लिया है डोनर टिश्यू, इसका इवैल्यूएशन किया जाता है, इसको में 4 तरह के इवैल्यूएशन किए जाते हैं। पहला है बायोमाइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, दूसरा स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी, तीसरा माइक्रोबायोलॉजिकल इवैल्यूएशन बाय कल्चर, और चौथा सीरोलॉजिकल स्क्रीनिंग। अब इसको प्रिजर्व करना होता है, तो इसको प्रिजर्व करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म स्टोरेज, जो कि 24 से 96 घंटे के लिए मतलब 96 आवर्स के लिए किया जाता है। इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं, एक मॉइस्ट चेंबर मेथड, और दूसरा होता है मैककैरी कॉफमैन मीडियम। अब ये सब याद करना पड़ेगा, रटने वाला चीज़ है। दूसरा होता है इंटरमीडिएट टर्म स्टोरेज, जो कि अप टू 2 वीक्स के लिए किया जाता है, जिसमें हम ऑप्टिकल GS मीटर जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो यूज़ करते हैं, या फिर कॉर्निसोल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, या यूसोल, या फिर लाइफ GE मीडिया यूज़ करते हैं। सब रटने ही वाला है इसमें। लॉन्ग टर्म स्टोरेज अप टू ईयर्स के लिए किया जाता है, जिसको हम ग्लिसरीन से कर सकते हैं, जो कि 3 से 4 वीक्स के लिए कर देती है प्रिजर्व, या फिर ऑर्गन कल्चर मेथड, जो कि 32-37 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, जो कि 35 डेज के लिए काफ़ी होता है। या फिर एक होता है क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द कॉर्नियल बटन, जो कि 70 डिग्री -70 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, दैट कैन स्टोर इट अप टू फॉर 1 ईयर। क्रायो प्रिजर्वेशन हम लिक्विड नाइट्रोजन से करते हैं बेसिकली, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ठंडा कर दिया जाता है टिशू को। अब आते हैं सर्जिकल टेक्निक्स फॉर पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, 3 टेक्निक यूज़ करते हैं हम लोग। एक होता है एक्सिजन ऑफ द डोनर कॉर्नियल बटन, दूसरा होता है एक्सिजन ऑफ द रेसिपिएंट कॉर्नियल बटन, और तीसरा होता है सूचरिंग ऑफ द कॉर्नियल ग्राफ्ट इनटू द होस्ट बेड। तो करेंगे ही, डोनर का टिश्यू एक्सरसाइज करेंगे, रेसिपिएंट का एक्सरसाइज करेंगे, और दोनों को सूचित कर देंगे। तो ये थी दोस्तों केराटोप्लास्टी। केराटोप्लास्टी पे यूजुअली शॉर्ट नोट ही आते हैं, तो उसमें हम लोगों को डेफिनेशन लिखनी होती है, टाइप्स लिखना होता है, और फिर इंडिकेशंस लिख देते हैं, वो और अच्छा हो जाएगा हमारा आंसर। और अगर हमने फिर मेथड्स ऑफ कॉर्नियल प्रिजर्वेशन बता दिया और सर्जिकल टेक्निक्स ऑफ पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी बता दिया, तो हमारा आंसर एकदम बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से हम सो इजीली नीट एंड क्लीन एंड प्रेजेंटेबल आंसर्स या शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।